कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। कुशीनगर के तमकुही राज्य में 40 लोगों से भरी नाव फंसी, निकालने गई दूसरी नाव भी अटकी, लापता युवक की तलाश में सभी। योगी की दो मंत्री सरकार से नाराज, राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने राज्यपाल को इस्तीफा भेजा, खफा जितिन सीएम के बाद शासन मिलेंगे। बागपत में एफबी स्टेटस से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस हुई एक्टिव, आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में बारिश के लिए महात्मा ने शुरू किया अग्नि तपस्या, 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए आग के सामने बैठे। सुल्तानपुर में मुर्गी लदी पिकअप ने कार को मारी टक्कर, घर के सामने सो रहे व्यक्ति चपेट में आकर मौत, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। झांसी में लाइट ना आने पर लोगों ने लगाया जाम, ट्रांसफार्मर फुक जाने से 18 घंटे से बिजली नहीं थी, 1.5 घंटे सड़क जाम की। अंबेडकर नगर में युवक को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, खेत में काम कर रहे युवक की गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। पुलिस से मारपीट की शिकायत पर पत्नी को बंधक बनाकर पीटा, 3 महीने पहले तोड़ा था जबड़ा, मुकदमा दर्ज, नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। वाराणसी में मिट्टी कारोबारी के सिर में मारी गोली, 3 आरोपियों की पुलिस कर रही तलाश। हापुड़ के बाजार में बढ़ी सीएम योगी टी शर्ट की धूम, कांवड़ियों की पहली पसंद बनी टी शर्टें, हाथों हाथ खरीद रहे योगी मोदी की टी शर्ट। एसआईटी रिपोर्ट, डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत, शहर कोतवाली में दर्ज हुआ मामला, भटक रहे मृतका के परिजन। हमीरपुर में कुदरत का करिश्मा, मिट्टी के गुफा से निकल रही जलधारा, स्थानीय लोग चमत्कार मानकर कर रहे पूजा। हरदोई मेडिकल कॉलेज में गत्ते से हो रहा प्लास्टर, अधिकारी बने अनजान, पीड़ित बोला इमरजेंसी में कंपाउंडर ने चढ़ाया। फतेहपुर में पुलिस का दुकान में समझौता कराने का वीडियो वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश, मारपीट के मामले को लेकर पहुंचे थे दो पक्ष। मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों की पिटाई का वीडियो वायरल, मुजफ्फरनगर में सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया हमला, 2 वार्ड बॉय समेत 7 अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा, खड़े कैंटर में पीछे से 2 गाड़ियों ने मारी टक्कर, 1 घायल। उन्नाव में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, पत्नी की मौत के बाद से मानसिक बीमार रहता था, बच्चों को ननिहाल भेज दिया था। फिरोजाबाद में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, 14 दिन में बिना हेलमेट से हुई 5325 चालान, हादसे में 9 की बची जिंदगी, 6 की मौत। उन्नाव में एक्सीएन ने विधायक से फोन पर अभद्रता, कहा मुझे लाइनमैन समझ रखा है क्या, सीडीओ ने लगाई फटकार। बदायूं में किसान को आत्महत्या को उकसाने वाले पर चार्जशीट, आईजी की एसआईटी ने की थी मामले की जांच। फिरोजाबाद में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी की हत्या, दुकान पर मिला शव, परिजनों ने पड़ोस के ही लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 11 लाख एडवांस लेकर भी मुरादाबाद में शादी समारोह में नहीं पहुंची। द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए प्रसपा ने किया हवन पूजन, कार्यकर्ता बोले आदिवासी समाज से द्रौपदी को आगे लाना अच्छी बात। मुठभेड़ के बाद चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, बलिया पुलिस ने 8 चोरी की घटना को किया खुलासा, 1 आरोपी फरार। गोरखपुर में मां ने बच्ची को गर्म चाकू से 17 जगह गोदा, मासूम ने स्कूल न जाने पर नाराज थी मां, पिता ने केस दर्ज कराया। 22 साल पुराने प्रभात हत्याकांड की कल हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र गृह राज्य मंत्री टेनी है मुख्य आरोपी। रायबरेली में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत, ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे घर, छोटे भाई की पत्नी की भी मौत, बच्चे घायल। मैनपुरी में 2 भाइयों का अनोखा प्रेम, बड़े भाई की मौत के सदमे में छोटे भाई के निकले प्राण, एक ही चिता पर चले दोनों।
शराबी ने देवी की मूर्ति तोड़ी, लोगों ने की पिटाई। अलीगढ़ के अकबराबाद के गांव धौरी का मामला, हंगामे की सूचना पर कई थानों की फोर्स पहुंची। बिजनौर में नहर में नहाते समय डूबा युवक, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी, नहर के बैराज पर करता था काम। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। अंबेडकर नगर पहुंचे शहीद नायाब सूबेदार भगवान सिंह का पार्थिव शरीर, शहीद का अंतिम विदाई, गूंजते रहे भारत माता की जयकारे। औरैया में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, आग लगने से ग्राम में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची दो फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बदायूं में दो बाइकों में भिड़ंत, एक की मौत, दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर मौके से हुआ फरार। हरदोई में पैतृक जमीन कब्जाने के विरोध में दलित युवक की दबंगई आई सामने, पिटाई की, एएसपी से शिकायत पर युवक ने लगाई न्याय की गुहार। कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकबजी और चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस किया गिरफ्तार। कुशीनगर में बारिश ना होने से किसान परेशान, सूख रही धान की फसल देखकर किसान चिंतित। हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने किया पेयजल परियोजना का निरीक्षण, निरीक्षण के समय अधिकारी अधिशासी अभियंता भी रहे उपस्थित। प्रयागराज में बनाया जा रहा देश का सबसे बड़ा हथौड़ा, बैंक से कर्ज लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र ने बनाया विश्व का सबसे बड़ा हथौड़ा। रायबरेली में दबंगई से अर्जित आजिज आकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से की चौखट पर लगाई न्याय की गुहार, पूर्व प्रधान ने किया अवैध जमीन पर कब्जा। प्रयागराज में निजी जमीन पर चक्रोड बनाने का विरोध पर दबंगों ने घर में घुसकर किया तोड़फोड़, दबंगों ने घर में महिला पुरुष से की जमकर मारपीट। हरदोई में युवती ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, सुसाइड नोट मिलने पर मचा हड़कंप, पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी किया जिक्र। बुलंदशहर में स्नान के दौरान डूबा युवक, मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, अफरा तफरी का माहौल, सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम। देवरिया शहर के दीनदयाल पार्क में लड़कियों का तांडव, आपस में भिड़ी लड़कियां, लड़कियों का मारपीट का वीडियो वायरल। फतेहपुर सदर कोतवाली के लोधीगंज बाईपास में हुआ भीषण सड़क हादसा, टैक्सी की चपेट में आकर बाइक सवार की मौके पर मौत। गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसान नेता सुनील फौजी की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों में दिखा रोष, रिहा की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया कोतवाली का घेराव। लखीमपुर खीरी में चोरों ने 24 घंटों में 7 घरों को बनाया निशाना, शातिर चोर गैंग नीम गांव पुलिस को बराबर दे रहे चैलेंज। आजम खान का अखिलेश पर तंज, राजभर के एसी वाले बयान पर कहा अखिलेश यादव को मैंने धूप में खड़ा नहीं देखा। प्रयागराज में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की नृशंस हत्या, अज्ञात हमलावरों ने घर के सामान लूट ले गए। रायबरेली में जनरत बस से हो रहे हैं गांजे की तस्करी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की तलाशी, एक व्यक्ति के पास से मिला बोरी में भरा गांजा। श्रावस्ती में भिनगा स्थित लकड़ी मंडी में लगी भीषण आग, अग्निकांड में लाखों के नुकसान का अनुमान, बेशकीमती लकड़ी जलकर राख। उन्नाव में मोरंग माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया अभियान, 17 ओवरलोड वाहनों को किया गया सीज। आनंद गिरी पर जिला अदालत में चलेगा केस, नरेंद्र गिरी डेथ केस में 4 अगस्त को छोटे महंत पर तय होगा आरोप। चंदौली में राजस्व के बकायेदार के खिलाफ चला अभियान, 15 लोगों से वसूले गए 17.36 लाख रुपए, बकाया जमा नहीं करने पर होगी कुर्की। सुल्तानपुर में दलित बस्ती में पथराव, विशेष समुदाय के लोगों ने दलित बस्ती में किया पथराव, दोनों पक्ष से 3 घायल। शाजापुर में सड़क पर मिला मरीज का शव, राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सपा नेता के घर से राइफल और कैश चोरी, घर में घुसे चोरों ने पूरे परिवार को कमरों में कर दिया बंद, अलमारी तोड़कर निकाल ले गए राइफल कैश। चंदौली में पुलिस ने बदमाश को किया 61 पेटी अवैध शराब, 9 लाख बताई जा रही कीमत, चकमा देकर फरार हुए तस्कर।
बलरामपुर में अवैध खनन को लेकर छापेमारी, 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज। भाई बीमार है कहकर नंद को बुलाकर मारने चली भाभी मेरठ में, फरिश्ता बनकर पहुंची पीआरवी ने बचाई युवती की जान। बाराबंकी में बढ़ रहे साइबर अपराध, पीएम की फोटो लगाकर करते हैं फ्रॉड, केबीसी में लॉटरी लगाने का लालच देते हैं। शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का माल जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। सीतापुर में दिन दहाड़े व्यापारी से 1.25 लाख लूट की घटना आई सामने, बदमाशों की पीछा करने के दौरान व्यापारी की स्कूटी डिवाइडर से टकराई, लखनऊ रहे। जौनपुर में 5 लाख बच्चों को नहीं मिली किताबें, बिना किताबों के पढ़ रहे परिषदीय विद्यालय के बच्चे, बीएसए बोले जल्द होगी उपलब्ध। प्रतापगढ़ में जेलर ने प्राइवेट मुंशी को हटाया बंदी, रक्षक को लगाई फटकार, मुलाकातियों से वसूल 1000 रुपए। पीलीभीत के शिक्षक ने बदल दी स्कूल की तस्वीर, खुद के पैसे से स्कूल को दी प्राइवेट वाली सुविधाएं, बच्चों की संख्या 42 से 112। शामली में हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, भीड़ में 50 की स्पीड से घुस आया ट्रक, बाइक सवार रेहड़ी वाले को मारी टक्कर, एक की हालत गंभीर। ललितपुर में इनकमिंग मशीन में फॉल्ट से गुजर रही बत्ती, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा, 8 घंटे बाद आई बिजली। आगे आगे कांवड़, पीछे पीछे चल रही सफाई, मुजफ्फरनगर कांवड़ मार्ग पर शिविर के आसपास पंचायत राज विभाग दे सफाई कर्मी जुटे। सिख दंगे के 5 और आरोपी गिरफ्तार, निराला नगर में सिखों को जिंदा जलाकर मार डाला था, अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई किसान की मौत। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में 1 महिला की दर्दनाक मौत, 1 घायल। कानपुर में बिल्डर ने ठेकेदार को घर बुलाकर जिंदा जलाया, बिल्डर से 18 लाख बकाया मांगने पर ठेकेदार को पेट्रोल डालकर जलाया। आजम खान को योगी सरकार का एक और झटका, वापस लिया जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर रिसर्च सेंटर। जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।